चलो दोस्तों, कंपनी के बैलेंस शीट का हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वाले वीडियो से कनेक्ट बन गया हो। कंपनी के बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ये सब मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था। अगर एक बार आपको देखना हो तो मैंने यहाँ पर आपको याद करो ऐसे लिखवाया भी था, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, तो इसके लिए लास्ट वाला वीडियो में आपको बताया था। स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आज के क्वेश्चन के साथ। तो एक्स लिमिटेड इज ऑथराइज्ड, एक्स लिमिटेड इज ऑथराइज्ड विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 100 इच। तो सबसे पहले देख ले भाई, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि इसके पास 20 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीस 100 इच का मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बॉस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 200 करोड़ का धन होगा। 20 लाख इंटू 100 करोगे तो इसकी ऑथोराइज कैपिटल है 200 करोड़। मतलब ये कैपिटल कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू कर सकती है। तो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल क्या है, 200 करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो कंपनी हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना, अगर अपन बात करें 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो कंपनी ने इशू कितने करे दोस्तों, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 10 लाख इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 करोड़ रुपए। तो सर ये कंपनी क्या हो गई, इशूड कैपिटल, ये कंपनी क्या हो गई, इशूड कैपिटल। ये हमेशा सब प्रोली कॉलम होते हैं, मेन अमाउंट का कॉलम ये है। तो अब अपन आगे की बात करते हैं, पब्लिक है सब्सक्राइब फॉर 9.8 लाख इक्विटी शेयर्स, मतलब पब्लिक ने पूरे 10 लाख इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं भरा है, पब्लिक ने कितने शेयर पे पैसा भरा है दोस्तों, 9.8 लाख इक्विटी शेयर्स। अब अगर मैं इसमें भी से बात करूं तो 9.8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, यहां पर अगर इसको बात करें एट अ प्रीमियम ऑफ, यहां पर लेते हैं 30%, प्रीमियम ऑफ कितना 30%, ठीक है ना, क्योंकि शेयर 100 का है ना, अपन एट अ प्रीमियम ऑफ कितना लेते हैं 30%। और यहाँ पे उसने 20, यहाँ पे 40 प्लस 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ऐसा पेबल ऐसा। अब ये तो कहानी हो गई, इसमें हमारे पास आगे क्वेश्चन में गिवन है, एक्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 शेयर्स, एक्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक्स एक बंदा था जिसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, सेकंड कॉल तो इसे मंगाया ही नहीं गया है और इसके शेयर फॉरफिट कर दिए हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं गिवन है तो एक बात ध्यान रखना, फॉरफीचर का मतलब होता है सामने वाले का कितना पैसा आपने हड़पा है, सामने वाले का कितना पैसा आपने हड़पा है, उसका कितना पैसा आपने कैंसिल किया है। तो इस चीज से वैसे अगर कोई बच्चा ध्यान दे तो दिमाग लगाए, इवन विदाउट पासिंग जनरल एंट्रीज, विदाउट पासिंग जनरल एंट्रीज आप चेक कर सकते हो, भाई एक्स ने उनको भरा कितना था, तो सर एक्स ने तो हमको 20 रुपए ही भरे थे, तो एक्स ने सिर्फ हमको 20 रुपए भरे थे, उसके बाद उसने अलॉटमेंट भी नहीं भरा, फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, तो उसके शेयर अपने कर लिए फॉरफिट कर लिए। सीधी बात है, उसके शेयर अगर आपने फॉरफिट कर लिए तो उसका आपने कितना हड़पा दोस्तों, 20 रुपए, कितने रुपए हड़पे 20, ठीक है ना। एक और शेयर होल्डर है वाई, अगर अपन बात करें तो वाई के पास था दोस्तों 20,000 शेयर, उसने फेल टू पे द टू कॉल्स, तो वाई वो शेयर होल्डर है जिसने ये दो कॉल नहीं दिए, कौन सा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये किसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बारे में, Y के बारे में बात हो रही है, Y वो शेयर होल्डर है जिसने हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। अच्छा, कितने लोग साफ सुथरे शेयर होल्डर है, कितने लोग सफाचट शेयर होल्डर है, जिनसे जितना पैसा मंगाया उतना पैसा आ गया। अगर बात करें तो ये दो तो मक्कार है, X और Y तो मक्कार है, तो आउट ऑफ 980,000, आउट ऑफ 980,000 में से एक तो X वो शेयर होल्डर है जिसके 10,000 शेयर्स थे, इसके शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स हमने फॉरफीट कर लिए, इसके शेयर्स हमने फॉरफीट कर लिए और अभी तक कोई इशू भी नहीं करे हैं। तो सर ये तो कहीं ना कहीं फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाएगा, आपको जगह पता है कि फॉरफिटेड शेयर्स की जगह कहाँ होती है वैसे, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में अगर अपन बात करें तो जगह होती है किसकी आपके पास, फॉरफिटेड शेयर्स की। तो अगर आप लेके चलोगे तो आपके फॉरफिटेड शेयर्स कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो जितना मैं समझता हूँ 10,000 शेयर्स पे आपने 2 रुपए हड़पे हैं क्योंकि उसने 2 रुपए ही दिए थे, तो फॉरफिटेड शेयर्स तो आपके पास आ गए दोस्तों 20,000, कितने रुपए आ गए 20,000। वाई 20,000 का वो शेयर होल्डर है जिसने पैसा तो पूरा मंगाया था बट उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो वाई 20,000 का वो शेयर होल्डर है जिसने पैसा तो मंगाया था बट उसने पैसा नहीं दिया है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वाई का अमाउंट कि भाई 20,000 शेयर्स थे इसके,
इस पे 100 रुपए मंगाए गए थे, तो 20,000 × 100 करोगे तो 2,00,000 रुपए होंगे। इसने अपने 20,000 पे आखिरी के दो कॉल जो कि 20-20 रुपए के थे वो इसने नहीं भरे, तो 20,000 × 20 करोगे कहीं ना कहीं 20,000 शेयर थे, तो 20,000 × अगर अपन बात करें 100 करेंगे तो शायद यहाँ पे 20 लाख आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे 20 लाख रुपए आएंगे। तो 20 लाख किससे मंगाए थे अपन ने दोस्तों, वाई से। 20 लाख कितने मंगाए थे अपन ने, वाई से। और 20,000 × 20 करोगे तो इसमें उसमें 4 लाख रुपए नहीं भरे हैं। कितने नहीं भरे हैं? 4 लाख। तो अगर अपन नेट वाई की बात करें तो वाई से कितना पैसा आया दोस्तों? 16 लाख। ये किसमें आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सर इसके अलावा अगर इस 10 को हटा दूं, इस 20 को हटा दूं, मतलब 980,000 में से ये 10,000 और ये 20,000 अगर हटा दूं तो मेरे पास बचते हैं दोस्तों 950,000। ये वो शेयर होल्डर है जिन्होंने पूरा पूरा पैसा हमको जमा करा है, तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। 950,000 शेयर्स पे आपके पास कितने रुपए आ गए अगर अपन बात करें तो 100 रुपए आ चुके। तो सर कहीं ना कहीं 950,000 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद अगर मैं बात करूँ तो 950 लाख रुपीज आएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं। तो सर ठीक है, 950 लाख मतलब 9. अगर अपन बात करें 95 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, तो 95 करोड़ रुपीज यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सर ठीक है ना, तो 950,000 × 100 अगर अपन करें तो 95 करोड़ रुपीज आ जाएंगे। अब सर क्या ये वर्किंग नोट पूरा हुआ शेयर होल्डर फंड का? हाँ यार दोस्त, ये वर्किंग नोट आपका पूरा हुआ शेयर होल्डर फंड का। अब क्या इसके आगे कुछ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की इन्फॉर्मेशन खुद ही डालना चाहूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, अगर मैं आपको बोलूँ कंपनी ने ऑल्सो इशू करे हैं 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 2 लाख × 100 दैट इज इक्वल टू कितना? 2 करोड़ आ जाएगा। तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स लिए गए। क्या आ गए? आपके प्रेफरेंस शेयर्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन में एसपीआर की बात हो रही है? हाँ यार दोस्त, एसपीआर तो है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दोस्तों 30 रुपए का एसपीआर है। कितने रुपए का एसपीआर है? 30 रुपए का। क्या ये एसपीआर इन द सेम हेड आएगा कि इसका हेड अलग जाएगा? तो एसपीआर का हेड अलग जाएगा। एसपीआर आता है दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए, अपने जगह बना के रखी है, और वर्किंग नोट नंबर 2 अपने पास यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर इस बार एसपीआर कितना था अगर अपन बात करें दोस्तों? अपना एसपीआर था 30 रुपए, जिसमें 30 रुपए आपको 950,000 शेयर होल्डर ने, तो कितने 30 रुपए आपको कितने लोगों ने दिए? 950 तो दिए ही दिए, मतलब 9.5 लाख तो दिए ही दिए हैं, और 30 रुपए आपको वाई ने भी दिए। कितने दिए? वाई ने भी दिए। इसके पास कितने शेयर होल्डर थे? 20,000। क्या एक्स ने ये 30 रुपए दिए हैं? नहीं यार, एक्स ने ये 30 रुपए हमको नहीं दिए हैं, क्योंकि एक्स ने तो अलॉटमेंट का मनी पे ही नहीं करा। तो एक्स ने क्योंकि हमको अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया था, इसलिए एक्स से ये रुपया नहीं आया है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के वर्किंग नोट में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे 30 × 9.5 + 30 × 20। क्यों? 9.5 तो लाख तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा ही पैसा दे दिया है, प्लस 30 × 20,000 करोगे, 30 × कितना करोगे? 20,000। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूं तो 30 × 20,000 से आपके पास एसपीआर का अमाउंट आ जाएगा। सर क्या ये वर्किंग नोट्स होते हैं? हाँ दोस्त, अभी तो ये सिर्फ वर्किंग नोट्स है। तो सर इसके बाद क्या मेन बैलेंस शीट बनती है? मैंने हमेशा बच्चों को बताया है कि हाँ, इसके पूरे अमाउंट के बाद ही आपकी मेन बैलेंस शीट बनती है। तो जब आप इसका अमाउंट निकाल लोगे 30 × 20,000 से 6 लाख, अगर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 95 × 3 तो 285 लाख। कितना पैसा आपका एसपीआर का है? सर क्या जितना पैसा यहाँ पे आया एसपीआर के नाम पे, मतलब यहाँ पे इस वर्किंग नोट टोटल 291 हो गया, और अगर यहाँ पर टोटल निकालोगे तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल आएगा 95 करोड़, तो ये हो गए दोस्तों। उसी पे अगर अपन बात करें यहाँ पे 10,000 × 20 था फॉरफिट शेयर 20, तो 10,000 × 20 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 लाख। अगर अपन बात करें तो 10,000 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 लाख रुपए। तो यार एक टोटल तो चाहिए कि इक्विटी में कितने रुपए है। तो सर देखो यार, इक्विटी में अगर अपन बात करें कहीं ना कहीं तो 95 करोड़ प्लस 16 लाख प्लस 2 लाख मतलब शायद 95.18 करोड़। ठीक है सर, अच्छी बात है। 2 लाख पे 2 करोड़ रुपए भी आए, मैंने बोला हाँ। तो कुल मिला के 97.18 CR पैसा यहाँ पे आया है।
प्लस 29 लाख यहाँ पे आया है सर, क्या इन सबको जोड़ना पड़ेगा 97.18 प्लस 29 लाख, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 97.47 CR। इतना पैसा तेरे बैंक अकाउंट में आया है, तो जब तू बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट में तुमको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को बैलेंस शीट में मैच करना पड़ेगा। इसीलिए अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें, तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल में जाओगे आप पूरी ये फुल बैलेंस शीट, अगर मैं बात करूं तो ये फाइनल बैलेंस शीट है जो आपको सबमिट करनी पड़ती है, जो आपको मेन बनानी पड़ती है एग्जाम में विद वर्किंग नोट्स, 4 मार्क की आती है, ध्यान रखिएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास आएगा 95.18, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आएगा तेरे पास 2 करोड़, और अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करूं तो यहाँ पे 29 लाख से, इसका मतलब 0.29 CR, ठीक है ना। इसका पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब इसी के अंदर आते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं। इसके बाद तुम्हारा सेकंड हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी, फिर आते हैं नॉन करंट एसेट्स, और फिर आते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में तेरे पास आएगा पूरा कैश। सर टोटल कैश आपके पास कितना है, अगर मैं बात करूं तो टोटल कैश तेरे पास अपन कैलकुलेट कर चुके हैं कि अपने पास टोटल कैश आया है 97.47 CR, 97.47 CR टोटल कैश आया है। तो तू कैश के अंदर यहां पर डालेगा 97.47 CR, और इसी के थ्रू अगर मैं बात करूं बहुत प्रैक्टिकली, तेरा ये क्वेश्चन और ये तेरी पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। सर क्या इसको पूरा एट अ वन पिक्चर ले सकते हैं, तो बच्चों को बोलूंगा पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बच्चों को बोलूंगा यार इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो जो आपने वर्किंग नोट पूरा बनाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, इसमें क्वेश्चन आ गया। अब सर इसी के थ्रू एक बात और समझाना चाहूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत, क्या सर कभी कभी एग्जाम में ना कैश बुक बनाने आती है, क्या बनाने आती है, कैश बुक, तो सर क्या आप कैश बुक पे हेल्प कर सकते हो? यार मैं इसी क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा कैश बुक का एंगल भी समझाऊंगा। अगर तू किसी भी कंपनी की कैश बुक बना रहा है तो टू बी वेरी फ्रेंक आप उसका सिर्फ बैंक अकाउंट को जज कर रहे हो, और एक बार आपको अगर बैंक अकाउंट बनाने आ गया तो आपका सारा काम हो जाता है। तो सर कभी भी कंपनी की देखो कैश बुक बनाने आ जाए जो कि आती है बाय डिफॉल्ट 4 मार्क की, बाय डिफॉल्ट कितने मार्क की आती है अगर अपन बात करें तो 4 मार्क की कैश बुक आती है, तो सर ठीक है ना, अगर अपन बात करें तो 4 मार्क की अगर कैशबुक आती है, सबसे पहले पैसा, कैशबुक का मतलब ही होता है दोस्त बैंक अकाउंट, कैशबुक का मतलब ही क्या होता है तेरे पास बैंक अकाउंट। तो अगर अपन अच्छे से बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो यहाँ पर तो देखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे तेरे पास पैसा आ रहा है शेयर एप्लीकेशन के, तो सर बहुत सारा पैसा शेयर एप्लीकेशन में आता है, शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आता है उसका कुछ पैसा अपन रिफंड भी कर देते हैं अगर ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो बाय शेयर एप्लीकेशन पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, तो जब जब पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, तो बाय शेयर एप्लीकेशन अगर आप रिफंड करते हो ओवर सब्सक्रिप्शन। सर फिर पैसा कब आता है, मतलब देखिए फिर पैसा आता है तेरा उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, फिर तेरे पास पैसा आता है शेयर अलॉटमेंट पे, उसके बाद तेरे पास पैसा आता है शेयर फर्स्ट कॉल पे, तो शेयर अलॉटमेंट पे पैसा आता है, शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा आता है, उसके बाद तेरे पास पैसा आता है बहुत बार शेयर सेकंड कॉल। सर क्या यहाँ पे बहुत बार पैसा हमको SPR का भी आता है, हाँ लेकिन वो अलॉटमेंट में ऑलरेडी हो जाता है तो उसका करो, सर उसका कुछ नहीं करेंगे। सर नेक्स्ट क्या बहुत बार हमको पैसा आ जाए हम शेयर रीइशू करते हैं तो फिर आता है, हाँ तो वहां पे शेयर कैपिटल आ जाएगा जब हम शेयर रीइशू करते हैं, जब हम शेयर क्या करते हैं दोस्तों रीइशू करते हैं तो बहुत सारा पैसा आता है। सर इन इन चीजों के कारण पैसा आता है, बीच में कभी कभी आपके पास कॉल्स इन एडवांस आ जाते हैं तो पैसा आता है, ये रीजन होते हैं पैसा आने के। अगर तुम एंट्री पूरी करते जा रहे हो जिस पे जितना जितना पैसा आ रहा है अगर पूरा पूरा क्लियर क्लियर लेते जा रहे हो तो कैश बुक में, इसके अलावा नॉर्मली कंपनी कभी आपको पैसा वापस तो करते ही नहीं, तो आपको यहाँ यहाँ से पैसा आता है। हाँ अगर तुमने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी पैसा आएगा। सर बात तो सही बोल रहे हो कि अगर आपने हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रखे हैं तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी पैसा आएगा? हाँ यार दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी पैसा आएगा, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे टू प्रेफरेंस शेयर्स, कभी कभी आपको डिबेंचर्स के थ्रू पैसा आता है टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिख दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
सर क्या इसके अलावा कैश बुक में कुछ भी होता है? तो टू बी वेरी फ्रैंक, इसके अलावा कैश बुक में कभी कुछ नहीं होता है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर यहां तक का समझ में आते हो तो इस लेक्चर के थ्रू मैंने पार्ट टू ऑफ कंपनी बैलेंस शीट रखी, पार्ट थ्री ऑफ कंपनी बैलेंस शीट और बचा हुआ है। उसके लिए थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, जुड़े हुए रहना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इन दोनों में आपको बेस्ट पढ़ा पाऊं, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छे हैं। तो इसी के साथ स्टे कनेक्टेड और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। हैव अ हैप्पी लाइफ, नाइस करियर अहेड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।